जिम दे बाहर एक पहलवान दा गोलियां मार के शरेआम कतल कर दिता गया। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि जदों पहलवान जिम ला के हेठां उतरिया ता उतरदे सार ही दो हमलावर गड्डी दे विच आउंदे ने ते आउंदे सार ही किया जा रहा है कि उसके उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने, जिस दे कारण उसकी मौके ते ही मौत हो गई है। तो मामला फरीदाबाद तो सामने आया जिते कि एक पहलवान का कतल कर दिता गया। हालांकि जो उसके नाल जिम लाते हैं उन्होंने कहना है कि यह पहलवान अक्सर ही कहता सी कि उसकी कई पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसलिए वह जिम के टाइम भी बदलता रहता सी, कदे किहड़े टाइम तो कदे किहड़े टाइम वह जिम आउंदा सी। पर कहा जा रहा है कि हुण उसकी पक्की किसी नूं सूह मिली तो जिस तों बाद दे विच उसका कतल कर दिता गया। तो दस दिए कि फरीदाबाद तो यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिथे कि एक पहलवान का शरेआम जिम के बाहर गोलियां मार के कतल कर दिता गया। कहा जा रहा है कि वर्कआउट करने तो बाद जिवें ही यह पौड़ियों चो उतर के हेठा आया तो नाल दी नाल सामने खड़े दो हमलावरां दे वलों ताबड़तोड़ गोलियां चला के इस पहलवान का कतल कर दिता गया। कहा जा रहा है कि एक सफेद रंग की गड्डी दे विच सवार होके ये दोवें बदमाश आए सन ते आउंदे सार ही पहलवान दे उत्ते गोलियां चला दित्तियां। कुछ नहीं, यही पता लगा कि जिम में एक्सरसाइज करता था और ढाई तीन महीने से जिम में आ रहा था और आज इसके साथ ऐसे घटना घटी है, बस ये पता। ये एक्चुअल पीछे से नहीं पता, पर यहाँ पे ना YMCA के यहाँ पता जाता अपना एड्रेस, यहाँ पे बस ये पता है एक्चुअल। थैंक यू। है जी, कितने लोग आए थे? नहीं सर, कुछ नहीं देखा हमने, कुछ भी नहीं देखा, बस वो भाई ने सुनी है, मैं यहाँ था नहीं उस टाइम। बल्लू पहलवान नाम करके इंस्टाग्राम पे, वो नीचे उतरा सीढ़ियों से तो कुछ बंदे उसके इंतजार में खड़े होंगे, ठीक है। मार्केट में भीड़ तो रहती है, तीन चार सेकंड की आवाज़ आई थी पटाखे जलने की या कुछ बहुत ज़ोर से, हम भागे कि अरे आवाज़ किस चीज़ की आई है, किसकी मतलब मतलब हिम्मत हो गई है, क्या सीन है, जो भी है। जैसे हम नीचे भागे तो सीढ़ियों पे से हमने देखा कि ये ऐसा फैला पड़ा है, हमने जैसे देखा उठाने की कोशिश करी इसको, डेथ था। और यहाँ पे इतना ही पता है हमें। और दूसरी बात ये कि ये 6:20 से 6:25 की बात है जब ये हाथ में ला के निकला कि जी मेरे को कहीं जाना है, मैं काम है, ये निकला 6:20 से 6:25। कितने टाइम से जिम में ये? तीन चार महीने से आ रहा था। और ये इसका ये कारण था कि भाई मेरी काफ़ी दुश्मनी है, रंजिश जो भी है, तो अपनी काफ़ी चीज़ों को हमसे हाइड रखता था, बताता नहीं था, चलता था, धमकी रोस्ट करता था पब्लिक को, वो पता था शायद हवाबाजी कर रहा, हम भी ये समझते थे हवाबाजी, हमें भी ये लगा कोई हवाबाज होगा, कोई मजा होता है इंस्टाग्राम आज के इन्फ्लुएंसर होने की, पता नहीं था, तो इसलिए बता रहा था भाई मैं मेरी जो चीज़ें हैं मैं आप कृपया अपन तुम लोगों से हाइड रखता हूँ, तो मेरे बारे में कोई भी चीज़ शेयर ना करें। ये जो इसका आधार कार्ड मिला जिससे नाम आइडेंटिफाई हुआ है, ये सूरज बानूर बल्लू पहलवान के नाम से इसका आइडेंटिफाई हुआ है, तो अभी प्राइमरी जांच में ये पता लगा इनके आपसी कोई रंजिश है और ये दीदानपुर दिल्ली नजफगढ़ में रहने वाला है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, सारी इसके वारिस बुलाए हैं मौके पर, और अभी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम, हमारे DCP साहब, CP साहब भी मौके पर आए हैं, और अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनकी आपसी कोई रंजिशन कोई मामला है। यही हुआ ना, भी कुछ लोग इसको गोली मार के गए हैं तो उस पर मौके पे पहुंचे, अभी तफ्तीश चल रही है, जैसे इन्फॉर्मेशन होगी बताएंगे। कितने राउंड फायर हुई है, कितने लोग आए थे, कुछ पता लगा? अभी जो प्राइमरी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें दो लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर की कोई गाड़ी है और उसमें दो लोग आए हैं, उन्होंने फायर किए हैं। अभी शक है हमारा, जो प्राइमरी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अभी हमने मैसेज उनको दे दिया है और अभी आएंगे फिर डिटेल पूछताछ करेंगे। सर, मृतक का कोई संबंध लॉरेंस गैंग से भी बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी हम करेंगे, जैसे होगी बताएंगे।